नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर जयपुर से, जहां जयपुर के विद्याधारी नगर में वार्ड नंबर 21 के पार्षद कार्यालय पर आजादी का 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी को इस शुभ अवसर पर मिठाई बांटी गई। सभी ने आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाइयां दी। काफी संख्या में वार्ड 21 के प्रबुद्ध जन, गण्यमान्य नागरिक गण व व्यापारी जन उपस्थित रहे। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश पारिक का जन्मदिन भी मनाया गया। देशभक्ति के नारों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद की गूंजों से अवकाश मंडल को गुंजयमान कर दिया। गणतंत्र दिवस उत्सव में आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। ये गणतंत्र दिवस हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जिस विचारधारा को लेके हम लोग बढ़े थे, हमारे पार्टी के हजारों हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने अपना त्याग, तपस्या और बलिदान से यहाँ तक इस स्थिति पर हम आए, आज वो विचारधारा हमको लग रहा है पूर्ण हो रही है। 22 तारीख को जो राम जन्मभूमि, जो एक हम सबका एक ध्येय था, हम सबका एक उद्देश्य था, जिसके लिए हम वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे, वो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पूरा हुआ, हमको सफलता मिली, और 22 तारीख को रामलला का भव्य मंदिर में मूर्ति विराजमान हुई, के लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक जो हमारी विचारधारा का और दूसरा जो महत्वपूर्ण था वो धारा 370, उसका भी जो उद्देश्य हमारा पूरा हुआ, और मोदी जी के कार्यकाल में वो 370 धारा हटने का भी हमारा लक्ष्य को हमने प्राप्त किया। हम जिस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, एक ऐसा नेता हमारे उस प्रधानमंत्री के कुर्सी पर विराजमान है, जो सारी विचारधारा, हमारे सपने और इस राष्ट्र के लिए जो आवश्यक है उनको पूरा करने में जुटे हुए हैं। हम सबका भी यही कर्तव्य है, जैसा मोदी जी ने राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर और उस समय कहा था, ये सब पूरा होने के बाद अब क्या, अब यही है कि हम सब अपने अपना जो हमारा दायित्व है इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, हम हमारा दायित्व निभाएं और हमारा देश परम वैभव पर पहुँचे, उस कामना के साथ हम सब जो भी अपने जिस भी कार्य क्षेत्र में जो भी काम करते हैं उस काम में लगते हुए उसका पूरा करें। एक बार आप सभी को पुनः हमारे 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी वार्ड वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे बीच में हमारे मुकेश जी भाई साहब का